हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो हम अपनी कक्षा में रखते हैं। तो अपनी क्लास में हम सिंपल फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर जो है वो विल और शैल जो वर्ब है एचवी है वो लेता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि सिंपल जो है वो किस तरह का है सिंपल फ्यूचर। तो स्टूडेंट सिंपल फ्यूचर जो है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए आप, सिंपल फ्यूचर टेंस। और ये टेंस जो है जिसको आप कहोगे कि साधारण भविष्य, यानी भविष्य को आप कैसे बता रहे हो, साधारण भविष्य बता रहे हो, साधारण भविष्य काल। इसके बारे में अगर हिंदी पहचान की बात करें कि पहचान कैसा है, तो आप यहाँ पे ये बात कह सकते हो कि हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा गी ये मिलता है, हिंदी वाक्य के अंत में गा गी और गे इत्यादि शब्द जो हैं, इत्यादि दिए हों तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग आपको करना होता है। प्रयोग करते हैं कैसे, देखिए जैसे मैं लिखूं यहां पे राम बाजार जाएगा, यहां पे लास्ट में जो आपको दिख रहा है गा, ये यहाँ पर यही कहेगा कि ये कौन से टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है वो ये सेंटेंस है। ऐसा आपको बताना होगा उस टाइम कि ये सिंपल फ्यूचर है। इसमें क्या होगा, इस टेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच विल, विल सेल का प्रयोग, विल सेल का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स आपने जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था उस टाइम आपने जाना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट होगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, पर इनके बीच में विल सेल का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको इसकी स्ट्रक्चर जान लेनी है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके नेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट है। ऐसा आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता है, ये सहायक क्रियाएं हैं, और यहाँ पे ये मुख्य क्रिया है जो वर्ब का मतलब, यहाँ पे मैंने क्रिया जो लिखी है यानी मुख्य क्रिया है, मेरे कहने का मतलब ये मुख्य क्रिया, और ये आगे जो है वो कर्म है। इस तरह से आपको यह वाक्य बनाना होता है, जैसे राम बाजार जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने वाले समय राम सब्जेक्ट है, बाजार इसका ऑब्जेक्ट है, और जाएगा यहाँ पे वर्ब है। जब सेंटेंस को बनाना होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा राम, फिर यहाँ पे इनमें से एक लेना होगा, यानी एक वचन के लिए आप विल यूज करोगे, राम विल गो टू मार्केट, ऐसा एक सेंटेंस बनेगा। अब देखिए एक वचन या बहुवचन की बात हो तो ये विल जो है वो बहुवचन के साथ भी होता है, पर मैं इसको अलग से आपको डिनोट करवा देता हूँ कि कहाँ पे कौन सा वर्ब होना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी। इसमें मैं लिख देता हूँ कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी के साथ किया जाता है।
ये बात हो गई कि सेल का प्रयोग याद रख लोगे सारे स्टूडेंट्स, सेल का प्रयोग जो है वो आई और वी के साथ किया जाता है, और विल का प्रयोग जो है, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन में आपको पता होगा यू आता है, तथा थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट, नेम ये सब आते हैं, इसमें दे भी आता है, ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ही, सी, इट, दे के साथ किया जाता है। इट मीन्स आपको विल वाला प्रयोग जो है वो सबके साथ प्रयोग करना है, सिवाय आई और वी के साथ सेल होगा। आई और वी इतना सा याद रख लो, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा कि केवल आई और वी के साथ हमें क्या करना है, सेल का प्रयोग करना है। बाकी बीच में जब जितने भी अपने सेकंड थर्ड पर्सन जो भी मिले, जिस प्रकार का नाउन प्रोनाउन मिले, आपको प्रयोग लेना है विल का प्रयोग लेना है। तो इसलिए यहाँ पे राम के साथ में क्या आया, विल आया, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं था न वी था। अगर ये होता तो यहाँ पे किसका योग होता, सेल का प्रयोग होता। जैसे सेंटेंस ये रखा जाए, सेंटेंस में ये बात रखी जाए कि हम कल कपड़े खरीदेंगे। अगर ये सेंटेंस दिख रहा है, हम कल कपड़े खरीदेंगे, यहां पे हम का मतलब वी है, कल यहां पे एक टाइम है, कपड़े यहां ऑब्जेक्ट है, और खरीदेंगे यहां पे वर्ब है। तो कल हम कपड़े खरीदेंगे, इस सेंटेंस को हम बनाना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा वी के साथ, अब सेल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा है आई और वी के साथ आपको प्रयोग किसका करना है, सेल का प्रयोग करना है। तो वी सेल, और यहाँ पे खरीदने को बोलेंगे बाई, और क्या खरीदेंगे, वी सेल बाई द क्लॉथ्स, हम कपड़े खरीदेंगे, तो यहाँ पे क्लॉथ्स हो जाएगा, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। और कब खरीदेंगे, टुमोरो। तो ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। तो सारे स्टूडेंट ऐसे समझे होंगे कि ये इस तरह से असर्टिव सेंटेंस बनते हैं। चलो इसका नेगेटिव फॉर्मूला अगर हमने लें कि नेगेटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव में देखो क्या बनता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है वो विल सेल यूज करना होता है, उसके बाद में आपको नोट यूज करना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। इस तरह से इसका नेगेटिव फॉर्मूला होता है। तो ये नेगेटिव फॉर्मूला है, इसको इस तरह से बनाओगे। तो यहां पे सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे मैं इसी सेंटेंस को बुलाऊं, हम कल कपड़े खरीदेंगे, अगर ये सेंटेंस हो कि हम कल कपड़े नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा वी सेल नॉट बाई द क्लॉथ्स टुमोरो। अगर ऐसा आपको सेंटेंस बनाना हो तो इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा, यानी इसके बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। वे वे कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा सेंटेंस है, वे कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे वे के लिए दे है। अब की बार देखो, मैंने कहा था कि आई और वी होने पर ही सेल का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे देखो
आई और वी तो है नहीं, दे है, तो आप यहाँ पे यूज कर किसका कर लोगे, विल का, दे विल, और ये नहीं वाला जो मैटर चल रहा है इसलिए आप यूज़ करोगे नॉट, दे विल नॉट, और खेलने की बात है तो प्ले है, दे विल नॉट प्ले, और क्या नहीं खेलेंगे तो आगे लिख दीजिए क्रिकेट, और कब नहीं खेलेंगे, कल नहीं खेलेंगे, तो आप लिख दीजिए टुमारो। इस तरह से आपका ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो स्टूडेंट आप नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बना सकते हो। और बात करें इंट्रोगेटिव की, कि इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, तो उसका लिए एक स्ट्रक्चर लिख लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगी। तो आपको पता है कि उसमें एच वी है वो शुरू में आ जाती है, यानी विल सेल का प्रयोग जो है वो प्रारंभ में कर लेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और पर्सन चिन्ह उसमें लगाना होता है। ऐसे अगर सेंटेंस हो, क्या वे कल क्रिकेट खेलेंगे, अगर ऐसी बात होती है, कोई पूछ रहा है, कोई जानकारी ले रहा है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे। देखिए यहाँ पे दे विल नॉट प्ले ऐसा तो ये नेगेटिव था, और वे कल क्रिकेट खेलेंगे ऐसा यहाँ पे नहीं वाला नहीं। अब की बार अगर प्रश्नवाचक हो तो विल और शैल में से पहले आपको ये रखनी है कौन सा वर्ब रखोगे। तो देखिए आई और वी यानी वे के लिए आप यूज करोगे दे, और दे है तो यहाँ पे शैल नहीं आएगा, शुरुआत में आपको क्या लिखना होगा विल। इसका मतलब स्ट्रक्चर में हमें पहले लिख रखा है विल, एक दो में से एक आपने यूज कर लिया। अब सब्जेक्ट आपने लिख दिया दे, फिर वर्ब लिखिए, वर्ब को कहेंगे यहाँ पे प्ले, और आगे ऑब्जेक्ट है वो है क्रिकेट। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बना दोगे, विल दे प्ले क्रिकेट, और कब, कल की बात है तो आगे लिख दीजिए टुमारो। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो थे वाक्य वो इंट्रोगेटिव थे। मान लीजिए डब्ल्यू एच वर्ड का कोई ऐसा इंट्रोगेटिव वाक्य हो, वे घर कब लौटेंगे, अगर ये सेंटेंस हो, वे घर कब लौटेंगे, अगर ये सेंटेंस है, तो आप इसे कैसे बनाओगे। देखो अब की बार क्या होगा, यहाँ पे जो शुरू में विल या जो अभी विल और वे के लिए दे जो यहाँ पे लगा रहे हो, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अब की बार कब का जिक्र हो रहा है, और कब के लिए आप यूज क्या करते हो, वैन का यूज करते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे हो जाएगा when will they return home, वे घर कब लौटेंगे, ऐसे सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे आपने जानकारी ली कि किस तरह से अपने जो है वो वाक्य साधारण वाक्य बनता है, फिर नकारात्मक है, फिर प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक में भी डब्ल्यू एच वर्ड वाले कैसे बनते हैं। देखिए ठीक जो यस नो टाइप का था वैसा ही डब्ल्यू एच वर्ड का है। डब्ल्यू एच वर्ड बस शुरू में वैन हो, चाहे वट हो, चाहे वाई हो, ऐसा जो भी होगा वो शुरू में आ जाएगा, फिर वापस सेम श्रृंखला रहेगी। विल सेल आगे लगाना है, विल सेल लगाना है, और फिर सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऐसे आपको बनाते जाना है। तो ये वाली बात आपको जानकारी मिली कि इस तरह से बनते हैं। अब हम इसके कुछ यूसेज हैं वो पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह से सिंपल जो फ्यूचर है वो प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि विल और सेल आपको जानकारी होगी कि ये मॉडल का भी रोल करते हैं। मैंने मॉडल्स का जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी ये बात रखी थी। चलो इसके यूसेज की बात करते हैं कि ये कैसे इसके जो है वो यूसेज हैं। अच्छा स्टूडेंट कुछ ऐसे सिंपल फ्यूचर के यूसेज भी पढ़ते हैं कि इनके यूसेज क्या हैं। देखिए कहाँ कहाँ सिंपल फ्यूचर जो है वो यूज होता है ये भी हमें जानकारी लेनी है। जैसे जनरल सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर यानी विल सेल का प्रयोग होता ही है। टू एक्सप्रेस एक्शंस, एक्शंस हो गए कार्य। टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी यानी सामान्य रूप से कोई भविष्य की घटना बतानी हो तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने 20 कब होगा यानी अगले महीने वह 20 साल का होगा। तो ऐसी सिंपल बात बताने के लिए यहाँ पे ये कह रहा है कि विल सेल का प्रयोग होता है यानी इस टेंस का प्रयोग होगा। वी सेल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, हम
सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, तो ये एक सिंपल जो है यानी भविष्य में सामान्य रूप से जो भी बात होती है उसको व्यक्त करने के लिए उन क्रियाकलापों को टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी, यानी जो भी सामान्य फ्यूचरिटी है भविष्य की घटना है उसको बताने के लिए। जैसे यू विल नो द रिजल्ट्स नेक्स्ट मंथ, तुम्हें मालूम होगा अगले महीने परिणाम आ रहे हैं, रिजल्ट होंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया। आगे कह रहा है टू एक्सप्रेस नेचुरल हैबिचुअल एक्शंस इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे भविष्य में कुछ ऐसी जो आदतन बातें हैं या यूँ कहें कि नेचुरल जो नेचर से संबंधित कुछ ऐसे एक्शंस हैं उन एक्शंस को बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे गर्मी अभी जो है वो जा रही हैं, अभी जो रेनी सीजन है ये अगले साल रेनी सीजन फिर आएगी, तो ये जो चीज़ें क्रम में बदलती जाती हैं और हम कहेंगे ये फिर से आएंगे, यानी अच्छे दिन आने वाले हैं, बसंत आने वाली है, ये सब जो चीज़ें यहाँ पे यानी भूतकाल में चली गई लेकिन वो रिपीट होती है, तो उसको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन, यानी बसंत फिर से आएगी। चाइल्ड विल ग्रो इंटू एडल्ट, बच्चा एक दिन बड़ा भी होगा। बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, यानी पक्षी जो हैं वो अपने घोंसले बनाएंगे। प्लांट्स विल ग्रो इंटू ट्रीज, पौधे छोटी पौध जो है छोटे पौधे जो हैं वो बड़े पेड़ बनेंगे। ऐसे हम जो बातें कर रहे हैं यानी जिनका भूतकाल ऐसा होता है और वो एक नेचुरल अपना हैबिट रखते हैं कि इस तरह से ग्रोथ करना, किसी भी सीजन का वापस आना, ये सब बातें बच्चा जो छोटा बच्चा है वो आगे इंटू एडल्ट यानी बड़ा होना, ये सब अगर होगा तो उसमें हमने देखो यहाँ पे विल यूज़ किया है, इट मीन्स विल और सेल जो है यानी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। आगे कह रहे हैं टू एक्सप्रेस ऑफर इनविटेशन सजेशन, कहीं भी अगर यहाँ पे कोई ऑफर यानी प्रस्ताव है, इनविटेशन यानी कोई आमंत्रण है, सजेशन यानी सुझाव है, अगर कोई सुझाव देना हो, कोई आमंत्रण यानी किसी बात के लिए जो है वो बुलाना हो या फिर किसी प्रकार का प्रस्ताव अगर रखना हो, तो वहाँ पर निश्चित रूप से सिंपल फ्यूचर का प्रयोग यानी विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस में सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ, इट मीन्स सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूँ, ऐसा अगर है तो वो यहाँ पे उसको सजेस्ट कर रहा है, उसे ऑफर कर रहा है, मतलब अपना प्रस्ताव रख रहा है कि मैं आपको मदद करूँ। सेल आई स्विच ऑन द रेडियो फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए रेडियो चालू कर दूँ, यानी वो इस तरह की जो बातें कर रहा है, किसी प्रकार का ऑफर करना या सजेशन करना, तो सेल आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी लेकर आऊँ, ये सब जो बातें यहाँ पर की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं या तो उसे सजेस्ट कर रही हैं इन्विटेशन या ऑफर, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे, ऐसे अगर सेंटेंस पूछे जा रहे हैं यानी किसी को न्योता दे रहा है, तो भी यहाँ पे सेल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसी तरह से टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, हम किसी तरह की कल्पना अगर करते हैं कि जैसे वह 95% लेकर आएगा परीक्षा में, वह परीक्षा में 95% लाएगा, इसका मतलब हमने उसके लिए क्या की है, पहले से इमेजिनेशन की है, ऐसा हमने उसके बारे में सोचा है। जैसे ही विल बी ओवर 40, वह 40 से भी ऊपर होगा, ये हमारी कल्पना है, एक्चुअली हमने उसका बर्थ डेट जो है वो पूछा ही नहीं, लेकिन हम पहले से ऐसे बोल देते हैं कि वह 40 से ऊपर होगा। आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया, मैं सोचता हूँ कि अगला प्रधानमंत्री, ही विल बी द नेक्स्ट PM ऑफ इंडिया, वह अगला प्रधानमंत्री होगा, यानी देश का वह, भारत का वह अगला प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो ये उसकी क्या है, कल्पना होती है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन प्रोमिस, किसी भी प्रकार का वायदा या दृढ़ संकल्प जो है वो बताने के लिए, किसी भी संकल्प को बताने के लिए हम जो है वो विल सेल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसका मतलब प्रोमिस का भाव है इसमें, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसका मतलब इसमें किसका भाव है, प्रोमिस का भाव है। जब ऐसा होता है दृढ़ निश्चय और यहाँ पे प्रोमिस वाला भाव अगर आता है, तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग न होकर के किसका प्रयोग हो जाता है, विल का प्रयोग हो जाता है, ये आपको जानकारी रखनी है।
अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे सेल हो जाता, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ केवल और केवल इसी में। बाकी मैंने सिंपल फ्यूचर में साफ साफ कहा है कि सेल होने पर यानी आई और वी होने पर सेल का होता है, लेकिन यहाँ पे दृढ़ निश्चय और वायदे में केवल विल का प्रयोग होगा आई और वी के साथ। जैसे आई विल बाई ए बाइक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक बाइक खरीद कर दूंगा, यहाँ पर भी इस प्रकार का एक निश्चय जो यहाँ सामने आया है, एक वायदा सामने आया है। ये सब बातें आपको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करना है। आगे है टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस, कोई भी शर्तिया वाक्य बताना हो कि अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसका मतलब मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम बुलाते हो, यानी शर्त होगी एक सेंटेंस में। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यानी मैं कहने का मतलब यह है कि अगर वर्क इफ आ जाता है और वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे सिंपल फ्यूचर यानी विल सेल का प्रयोग होगा। इफ़ वी हायर ए टैक्सी वी शैल रीच ऑन टाइम, यहाँ पर भी एक शर्त वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वी हायर ए टैक्सी, तो यहाँ पे टैक्सी हायर, अगर हम टैक्सी हायर करते हैं तो वी शैल रीच ऑन टाइम, यानी हम समय पर पहुँच सकते हैं, समय पर पहुँचेंगे। तो समय पर कब पहुँचेंगे, जब यहाँ पे एक शर्त सामने रहेगी कि अगर हम टैक्सी हायर करते हैं तो ही हम पहुँच पाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ओके स्टूडेंट, ये सब बातें जो हैं वो सिंपल फ्यूचर में यूसेज में थी। ओके थैंक यू।